हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में फेडरल बजट 2024-2025 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले तो हम टोटल आउटले की बात करते हैं, यानी कि ये टोटल कितने का बजट पेश हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर 18 ट्रिलियन है। 18 ट्रिलियन रुपीज यानी कि 18,000 अरब रुपए का जो है वो बजट पेश किया गया है। और ये फेडरल बजट है, जो प्रोविंशियल बजट हैं वो बाद में पेश किए जाएंगे, लेकिन ये फेडरल यानी कि वफाकी बजट है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो 2024-2025 के लिए 12% किया गया है, कि 12 जो एक्सपेक्टेशन है, जो तवक्को है कि वो महंगाई जो है मुल्क में वो 12% तक रहेगी। और इसके साथ साथ आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए 79 बिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो इसके लिए 206 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर के लिए 253 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस की जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए 1.363 ट्रिलियन रुपीज जो है वो मुख्तस किए गए हैं। अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट के लिए जो है वो 25.3 अरब यूएस डॉलर जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ डिफेंस के लिए यानी कि जो हम अफवाज पर खर्च करते हैं, फौज पर या फिर जो हमारी आर्मी है, इस पर जो है 2.122 ट्रिलियन रुपीज जो है वो बजट जो है मुख्तस किया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो बताया गया है वो 3.6% बताया गया है। और इसके साथ साथ एफबीआर टैक्स रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट होता है वो 13 ट्रिलियन रुपीज जो है वो मुख्तस वो जो है टारगेट रखा गया है, 13 ट्रिलियन रुपीज। अगर हम इसको रिवाइज करें तो ये टोटल आउटले जो है इसका 18 ट्रिलियन है, एफबीआर टैक्स रेवेन्यू 13 ट्रिलियन, जीडीपी ग्रोथ रेट 3.6%, डिफेंस के लिए 2.122 ट्रिलियन, सैलरीज जो बढ़ाई गई हैं वो एम्प्लॉइज जो एक ग्रेड से 16 ग्रेड तक के लिए हैं उनके लिए 25%, लेकिन जो 17 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं या इनसे अबव के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 22%। ट्रेड डेफिसिट जो है वो 25.3 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो है। और एक्सपोर्ट्स एस्टिमेशन जो है वो 32.7 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो ये 839 बिलियन रुपीस जो है। और पेंशन्स के लिए जो है 1.014 ट्रिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी गैस सब्सिडी की बात करें तो ये 1.363 ट्रिलियन रुपीस। एनर्जी सेक्टर के लिए 253 मिलियन रुपीस और 253 बिलियन रुपीस। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब रुपए और आईटी सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए। मिनिमम जो वेजेस किया गया है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए 36,000 रुपए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपए जो है वो फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये 12% और इस फेडरल बजट को 2024-2025 के बजट को मोहम्मद औरंगजेब जो कि पाकिस्तान के करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 12 जून 2024 को पेश किया है। और आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस जो हमारे बजट था, फेडरल बजट था जो कि 2023 में पेश किया गया था, उसको किसने पेश किया, यानी कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ फेडरल बजट 2023-24, 2023-24 का जो बजट हुआ था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डियर व्यूअर्स, अब इसके रिलेटेड जो ये जो बजट पेश किया गया है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर्स में आते रहेंगे, जो अपकमिंग टेस्ट्स हैं, स्पेशली जो कमीशन के टेस्ट हैं। सो इसके लिए जो है हमने बहुत मेहनत करके यहाँ एमसीक्यूज बनाए हैं, यहाँ से आप अपना टेस्ट ले सकते हैं testpoint.pe की वेबसाइट से, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, सो ये आप ज़रूर विजिट करें और यहाँ आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स के हवाले से। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सअप के चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 03082533000। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, testpoint.pe की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।